बसमरिम असलकुम आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ़ कन्ग्रेंस इन क्रिप्टोग्राफ़ी ये एप्लीकेशन ऑफ कन्ग्रेंस इन क्रिप्टोग्राफ़ी का सेकेंड लेक्चर है इससे पिछले लेक्चर में हमने एक फ़र्स्ट मेथड बेसिक मेथड जो है साइ, साइज़र साइफ़र का वो पढ़ा था कि क्रिप्टोग्राफ़ी जो है वो साइज़र साइफ़र और कन्ग्रेंस को यूज़ करते हुए कैसे की जा सकती है तो आज हम एक सेकेंड मैथड जो है वो पढ़ेंगे स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक व्हाट इज़ क्रिप्टोग्राफ़ी ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक इन्फॉर्मेशन जो है या कम्युनिकेशन जो है उसको कोड करना ताकि ये इन्फॉर्मेशन जिसके लिए है वही उसको रीड और प्रोसेस कर सके तो और क्रिप्ट का मतलब था हिडन और ग्राफी का मतलब था राइटिंग तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक ट्रांसपोजिशन साइफर अ सिंपल टाइप ऑफ ब्लॉक साइफर कॉल्ड द ट्रांसपोजिशन साइफर ब्लॉक साइफर इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो एक मैसेज होगा पहले हम उसके कुछ ब्लॉक्स जनरेट करेंगे वो ब्लॉक्स कैसे जनरेट करेंगे कि हमारे पास एक सेट होगा कि आप इस इस मैसेज के इतने ब्लॉक्स बनाएं एज अ की एक की वो यूज़ परमोटेशन सिग्मा ऑफ द सेट वन टू एंड सो ऑन एम इसका मतलब ये एक सेट है कि हम इस सेट में जितनी वैल्यूज़ गिवन होंगी उतने हमने उस मैसेज के ब्लॉक्स बनाने होंगे फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर एम दैट इज़ अ वन टू वन फंक्शन फ्राम वन टू एंड सो ऑन एम टू इट्स एल्फ कि हम उस सेट से उसी सेट तक जो ब्लॉक्स वाला सेट होगा एक वन टू वन फंक्शन डिफाइन करेंगे वन टू वन फंक्शन क्या होगा इसको हम नेक्स्ट देखते हैं कैसे बनेगा ये टू इनक्रिप्ट अ मैसेज वी फर्स्ट सब्लिट इट इट्स लेटर इन टू ऑफ साइज़ एम के मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए पहले हम उस मैसेज उन लेटर्स को को एम साइज के ब्लॉक में सब्लिट करेंगे वी इंक्रिप्ट द ब्लॉक अब हम उन ब्लॉक्स को इंक्रिप्ट करेंगे बारी बारी मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने जो है वो एक एग्जाम्पल की थी मीट आई यू इन द पार्क तो मीट यू इन द पार्क में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है वन टू और थ्री एम की वैल्यू जो है वो थ्री तक है तो हम उसके तीन तीन लेटर्स के ब्लॉक्स बनाएंगे और फिर हर एक ब्लॉक को अलग अलग जो है वो हम इंक्रिप्ट करेंगे ठीक ओके जी तो पी वन पी टू एंड सो वन पी एम एज सी वन सी टू एन सो वन सी एम इज इक्वल टू पी सिगमा वन पी सिग्मा टू एंड सो वन पी सिगमा थ्री मॉड एम ये किस तरह से जो है ये इनक्रिप्ट uh, हो रहा है ये हम देखते हैं यहां पे टू डिक्रिप्ट आ साइफर टेक्सट ब्लॉक C1 C2 सी ट्वेंटन सी CM, वी ट्रांसपोज इट्स लेटर्स यूजिंग द प्रमोटेशन सिग्मा इनवर्स द इनवर्स ऑफ सिग्मा और फिर जब हम इसको डिक्रिप्ट करेंगे तो वही जो हमने परमोटेशन वही जो हमने uh, जो है वो सिग्मा फंक्शन वन टू वन का अप्लाई किया होगा फंक्शन वन टू वन उसको हम इनवर्स कर देंगे ओके okay, ओ okay, जी नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखते हैं यूजिंग द ट्रांसपोजिशन साइफर बेस्ड ऑन द परमोटेशन सिग्मा ऑफ द सेट वन टू थ्री एंड फोर विद सिग्मा वन इज थ्री सिग्मा टू इज़ वन सिग्मा थ्री इज फोर एंड सिग्मा फोर इज़ टू इनक्रिप्ट द प्लेन टेक्स्ट मैसेज पायरेट अटैक ये एक मैसेज है पायरेट अटैक उसको आपने जो है वो ट्रांसपोजिशन साइफर से इनक्रिप्ट uh, करना है मेथड गिवन है अब ब्लॉक्स यहां से हमें कैसे पता चलेगा कि कितने लेटर्स का हमने ब्लॉक बनाना है तो ये सेट गिवन है वन टू थ्री और फोर तो हमने कितने लेटर्स का ब्लॉक बनाना है कितने अल्फाबेट्स का ब्लॉक बनाना है फोर अल्फाबेट्स का ठीक हो okay, गया जी और ये सिग्मा वन इज इक्वल टू थ्री और सिग्मा टू इज इक्ल टू वन और सिग्मा थ्री इज इक्वल टू फोर एंड लास्ट में जो सिग्मा फोर इज इक्वल टू टू है ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये क्या है तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो ब्लॉक्स बनाना है इस मैसेज के द फर्स्ट सप्लिट द लेटर्स ऑफ प्लेन टेक्स्ट इन टू ब्लॉक्स ऑफ फोर लेटर्स तो फोर लेटर्स में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया पहले फोर लेटर्स हैं पी आई आर ए अगले फोर लेटर्स हैं टी ई ए टी अगले फोर लेटर्स हैं टी ए सी के तो ये ब्लॉक्स बन गए अब नेक्स्ट सिग्मा वन इज टू थ्री का क्या मतलब है कि पहले ब्लॉक का पहला जो लेटर है उसको नंबर थ्री पे जो है वो मूव करते हैं मतलब सिग्मा वन सिग्मा वन का मतलब है जो ब्लॉक का लेटर है अब उसको हम उसको इंक्रिप्ट करने लगे हैं तो उसको कहां पे मूव कर दें थ्री पोजीशन पे सिग्मा टू टू का क्या मतलब है कि जो सेकंड नंबर पे अल्फाबेट आ रहा है उसको कहां पे मूव कर दें फर्स्ट पोजीशन पे और सिग्मा थ्री जो थर्ड नंबर पर आ रहा है उसको कहां पर मूव कर दें फोर्थ पे और जो फोर्थ पे आ रहा है उसको कहां पर मूव कर दें सेकेंड पोजिशन पे तो जरा यहां पर देखिएगा जो पहला ब्लॉक है पहले लेटर को कहां पे मूव करना है थर्ड पोजीशन पे तो थर्ड uh, पोजीशन पे ये मूव किया और सेकंड वाले को सेकंड आई है उसको कहां पे मूव करना है फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड वाले को कहां पे मूव करना है फोर्थ पोजीशन पे थर्ड वाला आर है ठीक जी और फोर्थ वाले को कहां पे मूव करना है सेकंड पोजीशन पे तो ये जो लिखा हुआ था पी आई आर ए जब हमने उसको इन इंक्रिप्ट किया तो वो बन गया आई ए पी आर ठीक होगा जी हमें कैसे पता चला कि हमने कौन कौन सी पोजीशन पे मूव करना है ये हमें जो ट्रांसपोजिशन साइफर है जो पोजीशन है जो परमोटेशन है वो गिवन होगी वो हमें पता होना चाहिए कि जिसने कोड करना है वो खुद से यहां पे हम सिग्मा वन इज इक्वल टू तो टू भी कर सकते हैं सिग्मा वन इज इक्वल टू तो फोर भी कर सकते हैं सिग्मा वन इज इक्वल टू तो वन भी कर सकते हैं हम ब्लॉक्स ए फोर से ज्यादा मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लेटर्स का ब्लॉक बना सकते हैं हम दो लेटर का ब्लॉक बना सकते हैं वो हमारी अपनी मर्जी है कि हम ब्लॉक कितने नंबर्स का बना रहे हैं ठीक हो गया जी तो सिमिलरली टी ए टी ई और जो अगला है टी ए सी के जब उसको हमने इसका आ, करेंगे इसी तरह से मूव तो हमारे पास जो मेथड है वो क्या था कि फर्स्ट लेटर टू थर्ड पोजीशन सेकंड लेटर टू टू फर्स्ट पोजीशन ये हमें क्वेश्चन में गिवन था और थर्ड लेटर टू फोर्थ पोजीशन और फोर्थ लेटर टू सेकंड पोजीशन ये मेथड था और जब हमने हर एक ब्लॉक के नंबर को कन्वर्ट किया तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक मैसेज जो है ये बनेगा ठीक हो गया जी अब जिसको आपने मैसेज सेंड किया है उसको पता होना चाहिए कि आपने पहला काम क्या किया है कि आपने जो ब्लॉक्स हैं वो कितने लेटर्स के बनाए हैं दूसरा जो काम है वो क्या किया है कि ये जो आपने फंक्शन यूज़ किया है सिग्मा वन इज़ टू थ्री वो भी उसको पता हो सिग्मा टू इज इक्वल टू वन आता है वो भी उसको पता होता है कि वो उसको बाद तब डी कर सकेगा तब उसको डिक्रिप्ट कर सकेगा तो मैसेज ये नहीं होगा पायरेट अटैक ये सेंड नहीं होगा मैसेज क्या सेंड होगा आई ए पी आर ई टी टी ए के टी सी अब जिसको ये मैसेज मिला है वो इसको डिक्रिप्ट करेगा डिक्रिप्ट किस तरह से करेगा ये हम देखते हैं

गया जी। तो यहां से सबसे पहले हम इनका इन्वर्स फाइंड करेंगे जैसे आपने फंक्शंस पढ़े थे फंक्शन का इनवर्स फाइंड करते थे अगर सिग्मा वन इज इक्वल टू थ्री है तो इसका इनवर्स क्या होगा सिग्मा इनवर्स थ्री इज इक्वल टू वन सिग्मा इनवर्स थ्री इज इक्वल टू वन मतलब जो थर्ड पोजिशन पर लेटर है उसको कहां पर लेके आए फर्स्ट पोजिशन पे सिग्मा इनवर्स वन इज इक्वल टू टू कि मतलब जो फर्स्ट पे है वो इक्वल टू किसके आ जाएगा सेकेंड वाला और सिग्मा इनवर्स फोर की जो फोर्थ पोजीशन पे लेटर है उसको कहां पे लेके आए थर्ड पोजीशन पे तो जरा देखते हैं ये कैसे होगा वी नोट दैट सिग्मा इनवर्स द इनवर्स ऑफ सिग्मा सिग्मा इनवर्स वन व सिग्मा इनवर्स वन जो है वो इक्वल टू तो किसकी होगा टू के यहाँ से हमें पता चला सिग्मा इनवर्स वन जो है वो किसके इक्वल होगा टू के जो ये मैसेज है इसका जो फर्स्ट लेटर है उसको फर्स्ट पे ना रहने दें उसको कहाँ पर मूव कर दें सेकेंड पोजिशन पर सिमिलरली जो सिग्मा इनवर्स टू है वो इक्वल टू फोर होगा और सिग्मा इनवर्स थ्री जो है वो इक्वल टू वन होगा और सिग्मा इनवर्स जो फोर है वो इक्वल टू तो किसके होगा थ्री के तो जरा देखिएगा ये जो पहला ब्लॉक है पहला ब्लॉक इसको मैं लिखने लगा हूं जो फर्स्ट पोजीशन पे है जो फर्स्ट पोजीशन पे है फर्स्ट पोजीशन पे है एस फर्स्ट पोजीशन वाले ने कहाँ पे जाना है सेकंड पोजीशन पे और सेकंड पोजीशन वाले ने फोर्थ पोजीशन पे डब्ल्यू जो है वो फोर्थ पोजीशन पे जाएगा ये मैंने एक पहली पोजीशन छोड़ दी ये सेकंड आ गई और ये थर्ड पोजीशन छोड़ दी फोर्थ पोजीशन आ गई डब्ल्यू और उसके बाद जो थर्ड पोजीशन पे है वो फर्स्ट पे जाएगा थर्ड पोजीशन पे है यू तो वो फर्स्ट पोजीशन पे चला जाएगा यू और उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ पोजीशन पे है वो थर्ड पोजिशन पर तो वो ई e है ये ई e यहाँ पर आ गया ठीक हो गया जी सिमिलरली मैंने दूसरे जो ब्लॉक्स थे टी आर ए और ओ ई एच एस इनको इसी मेथड से जो है वो डिक्रिप्ट किया तो मेरे पास ये बन जाएगा ये मैसेज था और ये बन गया जी ड्रिप्ट होने के बाद ठीक हो गया जी और इसको मैंने एक तरतीब जो है वो एक लेटर की फॉर्म में लिखा तो ये क्या बन गया यूज़ वाटर हाउस ठीक हो गया नहीं तो इस तरह से आप जो है मेथड को ट्रांसपोजिशन साइफर मेथड से जो है वो डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं और इससे पहले एग्जाम्पल हमने की कि उसको हम इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने ट्रांसपोजिशन साइफर पढ़ा जो कि इनक्रिप्ट जो कि क्रिप्टोग्राफी का कन्वरेंस को यूज़ करते हुए सेकंड मेथड था अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफ़िज